हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी बज गए हैं सुबह के 10:15। और भैया अभी तो हमें जाना है पार्क की पीटीएम मीटिंग में। और बाहर हो रही है बारिश, यहाँ मीतू भी तैयार हो गई और पार्थ भी अपना रेनकोट पहन के रेनकोट पहना दिया क्योंकि बारिश हो रही है ना हल्की। और भाई अभी मम्मी बैठी खड़ी हुई है। चलो हम आते हैं, ठीक है ना, आते हैं अभी फटाफट चले यार, इसकी मीटिंग के लिए लेट हो रहे। तो भाई अभी मैं पहुँच गया हूँ पार्क के स्कूल मीटिंग में। अभी अंदर तो कैमरा नहीं लगा पाएंगे तो चलते हैं। तो भाई अभी हम लोग घर वापसी आ गए हैं पार्क की पेरेंट टीचर मीटिंग में से। और अभी इसकी थोड़ी कंप्लेंट मिली है कि आज के लिए ध्यान नहीं दे रहा है पढ़ाई पे। क्या मतलब, इसकी ना मशीन का कुछ इशू हो गया, मशीन के कारण ही है, क्या कहते हैं, ठीक से रिस्पांस नहीं कर रहा। तो अभी हम इसको पुरानी वाली मशीन लगा के देख रहे हैं कि इसका रिस्पॉन्स करते नहीं करता, फिर इसकी नई मशीन का कुछ ना कुछ कराएंगे। भाई अभी मैं देख के आऊँ पार्क कहाँ, एक तो पता नहीं है घर से गायब हो जाता है और पता नहीं कहाँ का रहता है। आई होप कि है ना ऊपर ही होगा कनिका और के घर पे। तो अभी मैं चल के देखता हूँ, वैसे भैया से भी मेरे को काम था। तो भाई अभी मैं ऊपर आया हूँ भैया के पास और देखो क्या बारिश हो रही है झमाझम। और भैया ने ये करवा दिया बढ़िया वाला काम, ये देखो शेल्टर लगवा दिया है। और ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, मैं अभी एक मिनट इधर आ जाऊँ। वाह भैया, भैया ग्रेट भैया यार, मज़ा आ गया सही में। और ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। एक भैया ने ये भी बनवाया है यहाँ पे रूम है भैया, तो यहाँ पे रहेगा अपना जिम, ये अपने जिम के लिए। ये देखो और ये भी आ गया भाई, यहाँ पे पार्थ और कनिका आ गए हैं, ये देखो बारिश के मज़े लेने भैया। अरे वाह, लो भाई तैयार हो गया झूला, झूला तैयार हो गया दोनों बच्चों के लिए। ये देखो रुक जा, दीदी बिठाएगी। वाह भाई पार्क के तो मज़े आ गए। झुलाओ 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 झुलाओ, वाह। ये देखो भाई वाकई में ही हैं अब कनिका, अब ये सावन वाले झूले डालने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे झूलोगे तुम लोग हैं। ये देखो भाई बारिश इतनी तेज़ हो रही है, बुछार आ रही है। और अरे यार ये देखो विशाल भैया की मदर ने बेल लगाई हुई थी और तोड़ी आ गई उसमें। ये देखो जूम करके पूरा। अरे वाह क्या बात है भैया, अभी जब मैं हिमाचल गया था ना तब मैंने यहाँ पर भी दिखाई थी गोल वाली लौकी, याद है वो? देख लो भैया हमें दिल्ली में भी मिल गई यहाँ पे, आंटी की कृपा से बेल लगा रखी है कितनी सारी हैं। फ्लावर देखो भाई पर्पल कलर के, वाओ। हाँ ये लंबी वाली लौकी अभी निकल रही है, ये तो मतलब ये हो जाएगा इसका काम हफ्ते भर में, अच्छी निकल आएगी। क्या बात है, ये देखो बैगन। हाँ भैया सारी सब्जी आज यहीं पे उगा दी है, अब तो जाने की जरूरत ही नहीं है हमें। बैगन भी काफ़ी सारे निकल आए हैं, वाह। भाई देखो अमरूद भी निकल आया है, मगर आंटी ने क्या कर रखा है उसको जाली में कर रखा है कि बंदर ना तोड़ के ले जाए। भैया ये नींबू है या मौसम्मी निकल रही है? नींबू है। यार कितने सारे हरे हरे एकदम है, क्या बात है। शिमला मिर्च ये पर्पल कलर की भी है, देखो रेड 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 भी है और ग्रीन वाली भी है काफ़ी सारी। ये देखो क्या बात है, मतलब ग्रीन येलो और रेड सब निकल जाएंगी। ये देखो मिर्ची ग्रीन चिली। ये देखो भैया आप तो मैं वो जब चाहिए होगी ना भैया मिर्च मैं यहीं से तोड़ के ले जाऊंगा, पहले ही बता रहा हूँ मैं। तो वह अभी सारी वेजिटेबल ऊपर देखने को मिल गई और मज़ा आ रहा है। देखो क्या बारिश हो रही है इतनी बढ़िया, ठीक है यहाँ पे बुछार आ रही है और हम लोग शेल्टर में आराम से खड़े हुए हैं। भैया ने ये सही किया यार, शेल्टर बनवा दिया मज़े से आराम से, और झूला भी लगवा दिया, आराम से झूलते रहो उस पर बैठ के। और भाई मैं भी बैठ के झूलता हूँ, एक बार देखते हैं। अरे ओ मज़े से भैया। अब इस टाइम पे तो भैया दिल्ली में अच्छी खासी बारिश स्टार्ट हो गई है। और अभी मैंने एक देखना, ये छोटा सा एकदम छोटू सा ये संतरा तोड़ा, संतरा नहीं है नारंगी है, नारंगी इसको छील लिया मैंने। अभी आंटी को पता नहीं है, अगर आंटी को पता लग गया ना तो मेरी तो डांट पड़ेगी, मगर फिर भी अभी इसको मैं ना खा के देखता हूँ थोड़ा सा। बड़ी खट्टी है भाई, वाकई में बहुत खट्टी थी यार, मैं तो फेंक दी सही में यार, खाई नहीं गई, इतनी खट्टी हो रखी थी ना
नारंगी बता नहीं सकता। तो भाई अब हम नीचे आ रहे थे और अभी देखो यार, ऊपर तो ऊपर बना ही रखा है इतना अच्छा, और नीचे भी देखो कितने अच्छे अच्छे यहाँ पे गमले रखे हुए हैं। ये देखो भाई, दो बतखें तो हमारी ये हैं, मगर एक की पीठ पे प्लांट आ रखे हैं भैया, दूसरे की नहीं आ रहा ऊपर बारिश में। अच्छा, एक हमारी ये डक है, एक ये टॉर्टराइज है, कितना प्यारा लग रहा है टॉर्टराइज। और एक ये देखो, एक ये देखो ये डक, और ये पार देख लो बीच में अपनी ड्राइंग घुसा रहा है, बहुत अच्छी बनाई है। ये किसने बनवाई है? कनिका दीदी ने, थैंक यू कनिका दीदी। और भाई ये बीच में आ गया था पार, ये देख लो ये डक ये है, और ये कौन सा भैया? स्नेल है ये। अरे क्या बात है, स्नेल तो अच्छा लग रहा है, मगर ये प्लांट भी बड़ा कॉस्टली लग रहा है, अच्छा प्लांट है। कौन सा है इसकी, मतलब जो पत्तियां बड़ी कलरफुल है? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है भैया सही में। तो भाई अभी बारिश तो बाहर बहुत ज़्यादा हो रही थी, और मैं तो अभी शेव करके भैया रेडी हो गया हूँ, और देखो हमें कपड़े कैसे टांगने पड़ रहे हैं, अभी बारिश इतनी हो रही है। देखो ये मैंने सीढ़ी लगा दी है और इसी पे सारे कपड़े टांग दिए, क्योंकि और कोई जगह ही नहीं मिल रही है अभी पूरे घर में, वरना कपड़े कपड़े हो जाते हैं, इसलिए अब यहाँ पे एकदम साफ है, और थोड़े से कपड़े बस यहाँ पे टंगे हुए हैं, और बाकी अंदर अभी ये डाल ही रही है। ये तो सूख गए हैं, खैर कपड़े दो दिन पहले के हैं। अच्छा सूखे हैं ये अब, बारिश जो इतना हो रही है, क्या करोगे यार, अभी भी बारिश बहुत हो रही है। मेरा तो प्लान था कुछ थोड़ा सा बाहर आउटिंग के लिए जाने का, मगर ये देख लो बारिश इतनी ज़्यादा है कि कुछ बता नहीं सकते। बट वही है ना, अभी थोड़ा सा कन्वेंस का दिक्कत है, बाइक पे जाऊँगा तो गीला हो जाऊँगा, तो अभी देखते हैं। वैसे सोच रहा हूँ कि कन्वेंस का कुछ जुगाड़ बनाया जाए, वैसे भैया आए अभी, उनकी एक गाड़ी आई है, तो सोचता हूँ कि उसको लेके जाऊँ। तो ये अभी बज चुके हैं शाम के 4:30, और बारिश भी बंद हो चुकी है, तो मैं और पार्थ हम लोग जा रहे हैं पार्थ की स्पीच क्लास। चलें बेटा? नहीं बेटा, बारिश बंद हो गई, अब चलते हैं, ठीक है? चलो भैया, अब इसको लेके चलें स्पीच क्लास, वरना बारिश में तो लग रहा था कि नहीं हो पाएगी। भाई अच्छा हुआ ना बारिश बंद हो गई, वरना इस लड़के की मौज हो जाती, ये फिर क्लास नहीं जाता, स्पीच क्लास है ना, हंस के दिखा रहे हैं। वैसे भी बारिश की वजह से इसकी पहले ही दो छुट्टियां हो गई थी, तो अब जरा लेके जाया जाए फटाफट इसको। तो भी पार्थ आ गया अपने स्पीच क्लास, शाबाश, चलो। तो स्पीच क्लास डॉगी से डर रहा, देखो डॉगी से डर रहा है। चल रहे हम चल रहे हैं। चलो पार्थ आ रहा था अभी अपनी स्पीच क्लास से, और क्या खाएगा? समोसा खाएगा, ले भैया से ले जाके जा, जल्दी ले, ये देख लो कितना खुद ही जा रहा है। पैसे दे दूँ? अभी पैसे देता हूँ, पहले जाओ लो, जाओ जाओ भैया के समोसे बड़े अच्छे होते हैं भैया बीकानेर के। पार समोसे भैया से पे चेंज भी ले लो, चेंज भी ले लो, चलें, चलो आराम से। तो भैया पार तो चालू हो गया, चार समोसे लाए थे, एक पार्थ का, एक दादी का, एक मम्मी का और एक मेरा, ठीक है? तो पार्थ ने तो खा लिया, अब रह गया हमारा, अब हम खाएंगे, ओके? क्योंकि आपसे तो रुका ही नहीं जाता कि सबके साथ खाओ। बड़ा मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, बता है कैसा है बनाए? वो देखो कैसे फटाफट फटाफट गप्पा गप खाया जा रहा है, गप्पा गप। वही अभी हमारे घर आ रखा है बाबू, भाई इधर तो देख ले, और पार्थ बाबू के साथ देख लो क्या मस्ती कर रहा है, हैं? ए बाबू भाई से ऐसे नहीं बेटा, भैया है ना भाई, बाबू है पार्थ का बड़ा वाला भाई, हैं? तेरा कौन सा चैनल था? डिलीट कर दिया, गलत है यार। अभी देख लो मीतू खिला रही है बाबू को अपने हाथ से एप्पल, और पार्थ को देख लो ये क्या कर रहा है, ये देख लो कैसे खिला रही है। तुम्हें पता है बाबू की मम्मी उसको अपने हाथ से प्यार से खिलाती हैं, तुम भी खिलाओ उसको, खा भाई। अरे नहीं पहले खा हाथ, अरे वाह क्या बात है भैया, बाबू बड़ा हो गया, शर्मा रहा है। और ये कबाड़ी तो देखो कैसे खुद ही खाने लगता है, अपनी मम्मी को खिला रहा है भाई, चलो दादी को खिलाने अपनी, ये देखो ये खाओ, अभी खाओ, एक खाओ, अरे वाह खिला दिया, देखा हरकतें। तो वही अभी बजने वाले हैं 11, और अपना हो गया सोने का टाइम, अपना डिनर तो हो गया, और पार्थ का तो क्या बताएं, कोई आ जाता है ना तो बहुत खेलता है, इसको खेलने का इतना है कि बस बता नहीं सकते, इसको खेलने का कि खाने पीने का कुछ नज़र नहीं आता, इसकी वजह से आज लेट हो गया, अभी लेट खाना खाया है, डिनर किया, खैर कोई नहीं,
सुबह तो इसको स्कूल जाना है तो अब सोने का टाइम हो गया है, और मेरे को भी वीडियो एडिट करनी है क्योंकि कल पोस्ट करनी है, आप लोगों को एंटरटेन करना है, तो अब चलते हैं सोने। सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल सुबह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।